ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का सेकंड एपिसोड आ चुका है, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस एनिमे से, उससे ज्यादा ही निकल रही है एनिमे, और काफी अच्छी खासी स्टोरी जा रही है। मेरे को पसंद आने लगी है एनिमे, और मेरे को काफी अच्छा लगा कि आपको भी इसके एपिसोड पसंद आ रहे हैं, और फर्स्ट एपिसोड पर आपने काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया, तो लव यू सो मच। इवन आप इस पूरी एनिमे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ। इवन मैं डाउनलोड लिंक भी वहां पे दे देता हूँ एपिसोड, ठीक है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें कोटोहा के कैफे का सीन दिखाया जाता है, और इधर जब साकुरा एंटर करता है तो उसने अपनी पीठ पे एक बूढ़ी औरत को बिठा रखा होता है, क्योंकि भाई वो शायद चल नहीं सकती और मतलब उसके दर्द काफी हो रहा है, ठीक है? पैर ठीक है उस बंदी के, तो उसमें तो यार बहुत ज्यादा गुस्सा करता है साकुरा, और वो कहता है यार नीचे उतरो, अब बहुत हो गया। तो वो बूढ़ी कहती है कि मेरे को हाइट से डर लगता है, तुम इतनी ऊपर से उतारोगे मेरे को? तो साकुरा कहता है थप्पड़ मार के नीचे उतारूंगा, उतरो जल्दी। अब आपको पता है यार, साकुरा अच्छे से बात नहीं करता, वो थोड़ा डिफेंसिव मोड पे ही रहता है हमेशा। तो भाई ये सुनने के बाद तो बुढ़िया एकदम से कूद के नीचे भाई लैंडिंग करती है भाई सुपर हीरो वाली, और साकुरा कहता है भाई ये क्या था, ये क्या किया तुमने, तुमने तो कहा तुम्हारा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है और तुम चल भी नहीं सकती, और ये क्या तुमने गुलाटी मार के उतर गई तुम मेरे ऊपर से? तो साटो कहती है, मतलब वो बुढ़िया औरत, की अरे सच में मेरे को चलने में थोड़ी मुश्किल होती है और कमर में भी रहता है मेरी। तो साकुरा कहता है मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी। तो साटो बैठ जाती है और वो ये कहती है कि चलो चाहे जो भी हो, तुम फ्योरेंस से हो और तुमने हम सबकी जिंदगी बचाई, तो थैंक यू सो मच। तो ये सुनके तो वैसे साकुरा शर्माने लग जाता है और कहता है अरे भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो कोटोहा उसको रोकती है और वो कहती है तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे आज, वैसे भी तुम्हारा स्पेशल डे है, ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है आज, है कि नहीं? तो यहाँ पे वो इस सैंडविच को खाना शुरू कर देता है और कोटोहा कहती है वैसे सेरेमनी तो दोपहर में है और अभी तो सुबह के 10 ही बजे है, कहीं तुम ज्यादा पंप अप तो नहीं हो रखे? हाँ, तो इसको सुन के तो साकुरा को और गुस्सा आता है। एनीवे देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे पता है साकुरा कुछ एनिमेज में बहुत बुरा करेक्टर प्ले कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन ये करेक्टर काफी अच्छा है और मैं इस वजह से इसका नाम चेंज नहीं करने वाला। ये नहीं कि उसको हारुका बोलो या फिर उसके दूसरे नेम से बुलाऊं, मैं उसको साकुरा ही बोलूंगा, ठीक है? हम इसको आगे लेके जाएंगे, हम इस वाले साकुरा को फेमस बनाएंगे, ठीक है ना? एनीवे जब कोटोहा और साकुरा दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे दरवाजा खुलता है और एक बंदा यहाँ पे एंट्री मारता है काफी तगड़ी, लेकिन तभी ये दूसरे मोमेंट पे नीचे गिर जाता है। और भाई इस बंदे ने अपनी यूनिफॉर्म से टैग भी उतारे होते हैं। अभी वो पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ कोटोहा? तो साकुरा कहता है कि भाई तुमने अपने टैग तो उतारे नहीं है। तो उसको उतारने के चक्कर में यहाँ पे फिर से गिर जाता है ये बंदा, इसका नाम होता है नीरे, और ये भी सेम ग्रेड में होता है साकुरा के, मतलब ये दोनों एक ही क्लास में होने वाले हैं। ओके, एक क्लास में हो ना हो, दूसरे ग्रेड में हो सकते हैं, बट एक ही ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर्स। ओके, तो नीरे कहते हैं क्या क्या मतलब है एक क्लास में होने वाले हैं, और है कौन ये बंदा? भाई मैंने तुम्हें तो नहीं देखा कभी आज से पहले यहाँ पे, क्या तुम बाहर से आए हो, और ये तुम्हारे बालों और आंखों का कलर अलग कैसे है? तो भाई ये सुनते साथ ही तो साकुरा सीरियस हो जाता है और कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो नीरे कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा स्ट्रेस होना बनता है। अब यार देखो मैं तुम्हें बता दूं, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो वो मतलब है यहाँ पे नीरे का, ठीक है? इसको सुन के भाई साकुरा तो किसी और दुनिया में चला जाता है, कहता है स्ट्रेस सर्टरेस, ये क्या बोल रहा भाई ये बंदा? तो कोटो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देती है साकुरा का कि वो दूसरे टाउन से आया है यहाँ पे, इसका नाम है हारुका साकुरा और ये बंदा है नीरे। यहाँ पे नीरे के पास एक नोटबुक टाइप होती है जिसमें वो अपनी सारी की सारी चीजें नोट करता है, और ये टॉप सीक्रेट होता है, ठीक है? वो यही सोचता है कि ये बंदा दूसरे शहर से यहाँ पे क्यों आया है, क्या चाहता क्या है ये? ये सुन के यहाँ पे भाई साकुरा को प्रॉब्लम होती है और वो उंगली करता बच्चे की तरह कोटोहा को, दिखाता है कि देखो क्या बोल रहा है मेरे को। तो कोटोहा कहते नहीं नहीं वो ऐसा ही है, चिंता मत करो। नीरे बताता है कि देखो तुम जानते ही होगे कि फ्योरेन हाई स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, वहाँ पे बोफुरन के मेंबर्स है जो कि आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कमजोर लोगों की वाट लगा देते सॉरी वो कमजोर लोगों की हिफाजत करते हैं और गुंडे लोगों की वाट लगा देते हैं, वो है असली इंसाफ के रखवाले। ज्यादातर जो लोग फ्योरेन में आते हैं वो हमारे अपर क्लासमैन की वाहवाही करने के लिए आते हैं, और वो भी खुद इस टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कितना कमाल की बात है नहीं? मैं तो उनमें से ही एक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम दूसरे टाउन से यहाँ पे फ्योरेन में क्यों आए हो? तुम्हारा तो कोई लेने देना भी नहीं है इस टाउन से। तो यहाँ पे भाई साकुरा तो अपने असली मकसद बता देता है कि यहाँ पे काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मैं उनमें से सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ, मैं टॉप पे आना चाहता हूँ। तो भाई ये सुन के तो नीरे थोड़ी देर के लिए रुक ही जाता है और वो कहता है यार देखो तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो तुम कभी कर नहीं सकते, और अगर तुम बोल ही रहे हो तो तुम गंजे हो जाओगे यार। तो ये सुन के तो कोटोहा और भी बुरी तरह से हंसने लग जाती है। यहाँ पे साकुरा को गुस्सा आता है और वो कहता है चलो यार बाहर चलते हैं, बाहर ही निपटाएंगे इस मामले को। तो भाई यार यहाँ पे तो साकुरा लड़ने के लिए तैयार ही होता है। एनीवे इसके बाद नीरे यहाँ पे कोटोहा से कहते हैं हे मेरे को जाना होगा, देखो टाइम होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ टाउन में 3 चक्कर मार के आ जाओ,
थोड़ा पेट्रोलिंग करके आ जाओ। तो कोटा कहती है अरे तुम अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे? तो बेसिकली यहाँ पे बीच में साकुरा बोल रहा होता है, बात करने की कोशिश कर रहा होता है नीरे से उसके चैलेंज के लिए, लेकिन भाई वो उसको इग्नोर करके निकल जाता है यहाँ से। ओके, और जाते जाते वो यही कहता है वैसे भी आज से मैं इंसाफ का रखवाला बनने वाला हूँ यार, और वो जाते जाते फिर से गेट से ठुक जाता है। भाई इतना तो बंदा ऐसा है यार, ये क्या बोलूं मैं। कोटा कहते हैं ये फनी नहीं है? तो साकुरा कहता है हाँ इससे बड़ा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा, जो दूसरों की बातें नहीं सुनता कि भाई सामने वाला बोल कह रहा है। घंटा फनी, ऐसे ऐसे गधों को एंट्री मिल जाती है फ्यूरिन में, क्या चलेगा यार यहाँ पे पता नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर इंसाफ का रखवाला बनना ही है तो थोड़ा तो कूल होना चाहिए बंदे को। तो कोटा कहती मुझे पता नहीं था कि तुम लुक्स के बारे में बात करोगे। तो यहाँ पे साकुरा का ये मानना होता है कि जो लोग लड़ाई में फैंसी बन के आते हैं ना, बहुत स्टाइल मारते हैं, वो असलियत में सबसे पहले डर के भागते हैं, वही बेकार लोग होते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे थोड़ी बहुत बेइज्जती मारने की कोशिश कर रहा होता है नीरे की। लेकिन यहाँ पे कोटा काफी अच्छा एग्जाम्पल देती है कॉफी का। वो पूछती है कॉफी का जो रंग होता है शुरुआत में वो कैसा होता है, तुम्हें पता है? तो यहाँ पे साकुरा को नहीं पता होता, वो कहते हैं ब्राउन कलर का ही होता होगा वो फ्रूट प्लांट जो भी होता है। तो कोटा बताती नहीं, वो रेड कलर का होता है, उसके बीज से यहाँ पे कॉफी को भुना जाता है और बनाया जाता है। ओके, तो बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि हमें पहले से अजम्पशन नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए पहले से, हमें नहीं पता सामने वाले का क्या सीन है क्या नहीं। जिसके वजह से साकुरा निकल जाता है, उसको टाउन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसकी लड़ाई के बारे में जानते हैं और उसको अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं, ब्रेड वगैरह, फ्रूट्स, एक से एक चीजें। यहाँ पे बीच में उसको ऐसी अजम्पशन होने लग जाती है कि शायद ये लोग कभी भी उसको गलत नजर से नहीं देखेंगे, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है तुम फ्यूरिन से हो ना, प्लीज मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। दूसरी बार एक गली के अंदर यहाँ पे नीरे पिट रहा होता है और उसको यहाँ पे कुछ गुंडे मवाली मार रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं हम तो उस लड़की से बस बातचीत कर रहे थे, तुम क्यों बीच में उंगली करने लगे आके? भाई क्या मेरे रास्ते में आना चाहते हो तुम? हाँ भले तुम फ्यूरिन से हो, वो इस टाउन को प्रोटेक्ट करते, लेकिन भाई अभी तो तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये बोल के ये लोग यहाँ से जाने लगते, लेकिन फिर भी नीरे इनको यहाँ से जाने नहीं देता, जिसके बाद इस बंदे को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है और नीरे यहाँ पे एक मोमेंट के लिए भाई खाके मीचे जैसा लग रहा होता है बिल्कुल उसकी तरह। ठीक है, वो ज्यादा लड़ नहीं सकता, पिट रहा होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। काफी अच्छा खासा करेक्टर और टच दिया गया है यहाँ पे टोक्यो रेवेंजर्स का। एनीवे, यहाँ पे इस बंदे को गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी कमाल के मोमेंट पे हमारा साकुरा एंट्री लेता है और इन सारे के सारे बंदों को मार देता है। ओके, वो ये कहता है कि मैं इसको बचाने के लिए नहीं आया, वो तो तुम ज्यादा ही कूल बन रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी वाट लगा दी। एनीवे, वो सबको खत्म कर देता है और इसको देख के नीरे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जाते जाते साकुरा ये कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कोई जान वान नहीं बचाई है, ठीक है? और वो यहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है ऐसे लोग हर जगह घूमते रहते हैं तो इससे कोई लेने देना नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो यार नीरे बताता है कि पहले जब वो मिडिल स्कूल में था तो लुच्चे लफंगे उसको हमेशा परेशान करते रहते थे और उस समय एक फ्यूरिन के बंदे ने ही उसे बचाया था, इस वजह से वो हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था। तो वो यहाँ पे रोने लग जाता है और वो अपनी फीलिंग्स वगैरह बताता है। इवन साकुरा भी ये याद करता है कि एंड मौके तक नीरे ने हार नहीं मानी थी, और फिर वो अपनी खुद की बात को याद करता है कि जो लोग स्टाइल मारते हैं वो सबसे पहले डर के भागते हैं। तो यहाँ पे खुद गलत प्रूव हो जाता है, क्योंकि भले यहाँ पे नीरे स्टाइल मार रहा था, अच्छे से बन ठन के आया था, लेकिन वो यहाँ पे एंड तक डटा रहा, उसने हार नहीं मानी। इसलिए साकुरा यहाँ पे नीरे की तारीफ करता है और वो कहता है ठीक है फिर भले तुम कमजोर हो गए लड़ने में, लेकिन अब रोते हुए बच्चे मत बनो, इससे तुम और कमजोर दिखोगे और मेरे को ऐसा लगता है तुम इतने भी बेकार नहीं हो, ठीक है ना। तभी वो लड़की यहाँ पे आती है, वो बताती है कि यार एक लड़के ने उसको हाथ पकड़ा, जिसके बाद इस बंदे ने आके उसकी मदद की। तो यहाँ पे नीरे का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही साथ साकुरा का भी शुक्रिया अदा करती है। यहाँ से भाई साकुरा भाई शर्मा के जाने लग जाता है। तो नीरे यहाँ पे उठ के अपनी नोटबुक उठा लेता है और वो भाई फैन बन जाता है, वो हाइट, ब्लड टाइप, हर चीज, हर इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाता है साकुरा की, खुद मेजर भी करने लग जाता है। साकुरा कहता है अरे मेरे को छुओ मत यार, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? तो नीरे बताता है कि मेरे को जो लोग कूल लगते हैं ना उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ मैं इस नोटबुक में, ठीक है? तो नीरे कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सबसे टॉप में जाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्कूल जाना होगा। यहाँ पे वो उसको घसीट के लेके जाता है स्कूल। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये मीटिंग शुरू हो चुकी होती है फर्स्ट ईयर्स की, और यहाँ पे एक बंदा होता है, हमें नहीं पता ये कौन है, बाद में बताया जाएगा। दूसरी ओर साकुरा यहाँ पे लड़ने के बाद भूखा होता है तो वो ब्रेड खाता है जो कि उसे दी होती है बेकरी ओनर ने, है ना। ये लोग यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहे होते हैं तो नीरे कहते हैं चलो चलो यार हम लेट हो रहे हैं जल्दी चलो। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो अपना लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो पता चलता है साकुरा और नीरे दोनों एक ही क्लास में होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे नीरे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि इनकी ही क्लास में सुओ, किरियो और सुगेरा भी होंगे। तो यार ये कुछ कमाल के लोग होंगे बेसिकली, ऐसा मानना है नीरे का। इसके साथ साथ एक और बंदा होगा इनकी क्लास में जिसको सुन के नीरे डिप्रेस हो जाता है और वो कहता है देखो यार मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ज्यादा सीरियस मत रहना, हंसते रहना, और देखो किसी से कुछ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तो साकुरा कहता है अरे भाई तुम अभी तो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, अब क्या होगा, तुम्हारा होश उड़ गया क्या, घर जाना चाहते हो तुम? तो यहाँ पे नीरे एक काफी कमाल की बात कहता है कि यार देखो जो भी फ्यूरिन हाई स्कूल के लोग है ना वो इसी टाउन के हैं, अब क्योंकि वो फ्यूरिन लोगों की मदद करता है तो उनके
ही बच्चे या फिर उनकी फैमिलीज में से और लोग फ्यूरन को ज्वाइन करते हैं उनके जैसा बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे साकुरा दूसरे शहर से आया है, तो हो सकता है कि बो फ्यूरन या फिर फ्यूरन हाई स्कूल को ऐसा लगे कि साकुरा कोई दुश्मन है और दूसरे टाउन से आया है, और इसी वजह से पूरा स्कूल भी साकुरा के खिलाफ हो सकता है, तो उसको संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भाई साकुरा तो लड़ाई के लिए रेडी होता है बिल्कुल। वो कहता है ठीक है फिर मेरे को नहीं पता किस टाइप के बंदे होंगे अंदर, और उनसे निपटने के लिए मेरे को रेडी होना होगा। जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो काफी सारे डिलिंक्वेंट्स होते हैं इधर, भाई किसी का पढ़ाई में मेरे को नहीं लगता मन होगा, लेकिन साकुरा इन सबको देख के काफी इंप्रेस होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है जिसके एक आंख पे आई पैच होता है, और उसको देखते ही साथ धीरे समझ जाता है कि ये कौन है, और साकुरा यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये बंदा यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ये लियोनार्डो डिकैप्रियो है, और इसे देख के तो भाई साकुरा भी इंप्रेस हो जाता है और बोलते क्या बात है तुम फॉरेन से आए हो, एक्चुअली मैं भी। लेकिन इतने में यहाँ पे नीरे कहता है क्या बोल रहे हो भाई तुम, तो ये बंदा कहता है कि अरे नहीं मैं जापानीज हूँ चिंता मत करो। तो नीरे मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था ये एक नंबर का जोकर है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये एकदम कोल्ड हार्ट होगा और एकदम सख्त लौंडा, तुम जरूर सुओ होगे है कि नहीं। तो यार यही होता है सुओ, जिसका नाम सबसे पहले लिया था नीरे ने। सुओ कहता है हाँ सबके सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। सुओ कहता है अच्छा मेरी छोड़ो तुम बताओ साकुरा क्या हाल है तुम्हारे, तो लोग कह रहे थे तुम बाहर किसी शहर से आए हो। और यहाँ पे वो अपना हाथ उठाता है, साकुरा भी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन इतने में यहाँ पे वो उसको शाबाशी देना शुरू कर देता है। कहता है क्या बात है कल तुमने मेन स्ट्रीट पे कमाल करके दिखा दिया यार जो दंगा हुआ था। इसको सुन के यहाँ पे बाकी जो डेलिंक्वेंट्स होते हैं वो नोट में लेते हैं इस चीज को कि यार ये बंदा वहां पे था। और सुओ अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे देता है साकुरा का, उसकी पूरी तारीफ कर देता है कि यार जब हिरागे वहां पे पहुंचे थे उस इशू को सॉल्व करने के लिए, उससे पहले वहां पे एक बंदा था जो रहा था, वो था ये बंदा साकुरा। तो ये सबके सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। इनमें से एक की तो दादी ने भी देखा होता है किसी फ्यूरन के बंदे को जो कि नया सा लग रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि साकुरा था। ओके, तो इस बात को सुन के इधर नीरे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहते चलो भाई कम से कम अब ये लोग साकुरा को दुश्मन की तरह नहीं देखेंगे। ये लोग पूछते हैं कि अच्छा वैसे तुम आए क्यों इस शहर में, तो भाई साकुरा बताता है क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप जगह लेना चाहता हूँ। तो भाई इसे सुन के तो नीरे भाई शॉक हो जाते हैं, वो कहता है अरे इसका कहने का ये मतलब नहीं था, मेरी बात समझो यार तुम लोग, ऐसा नहीं है ये तुम्हें मारना चाहता है। यहाँ पे साथ में हमें दो और बंदों का सीन दिखाया जाता है जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन सारी चीजों में, जो होता है सुगेरा जिसका नाम ऑलरेडी नीरे बता चुका है, और दूसरा था कीरियो। तो ये कुछ कमाल के लोग होने वाले शायद इस सीरीज के अंदर। ओके एनीवे, तभी एक टेबल उड़ती हुई आती है यहाँ पे, इधर एक बंदा आता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इधर नीरे भीख मांगता है कि इस बंदे से मत लड़ना, ये इस क्लास का साथ ही साथ इस पूरे स्कूल का खतरनाक बंदा है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इससे मत उलझना, इसका नाम है क्योटारा सुगिशिता। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है साकुरा, और वो कहता है ऐसे पागल कुत्ते मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हें पता है ये बात। इस अटैक में यहाँ पे नीरे को लगने वाली थी, लेकिन सुओ उसको खींच के पीछे ले जाता है और साकुरा अपना डिफेंस खुद कर लेता है, और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है भाई इसको देख के। वो कहता है वैसे यही एक्सपेक्ट किया था मैंने फ्यूरन हाई स्कूल से, ये हुई ना बात। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, काफी कमाल का था ये एपिसोड द हीरो ऑफ माय ड्रीम्स। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये एपिसोड वैसे कल रात में आ गया था बट मेरे को थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो, बस माफ कर दो यार इस वीडियो के लिए, माफ कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया आई नो, बट कोई बात नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैंने एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।